नमस्कार, मैं सुरेंद्र श्रीवास्तव लोकनाथ से। डालते हैं आज की खास खबरों पर। देश भर में तिरंगा अभियान मनाया जा रहा है, जिसके लिए पूरे देश में तिरंगे की आन बान शान में विभिन्न कार्यक्रम और रैलियों का आयोजन किया जा रहा है। इसी तारतम्य में ग्वालियर में विधिक सेवा प्रकोष्ठ और अन्य सामाजिक संगठनों ने मिलकर ग्वालियर SP ऑफिस से महाराज बाड़े तक एक तिरंगा वाहन रैली निकाली, जिसमें विभिन्न धर्म संप्रदाय के लोगों के साथ ही बच्चे भी शामिल हुए। रैली आयोजकों ने बताया कि सर्व धर्म सर्व संप्रदाय की भावना के साथ देश के गौरव तिरंगे के साथ यह तिरंगा रैली निकाली गई है। पहले यह वाहन रैली पैदल निकालनी थी, लेकिन बारिश और मौसम के चलते वाहन रैली निकाली गई, जिसे SP ऑफिस पर एडिशनल SP अभिनव चौकसे द्वारा हरी झंडी दिखाई गई और महाराज बाड़े पर रैली का समापन हुआ। वाहन रैली में सभी वाहनों पर जहां तिरंगा फहरा रहे थे, तो रैली के समापन पर देशभक्ति के नारे भी देख सुनने को मिले। काउंसलर विधिक सेवा प्रकोष्ठ ग्वालियर ML अरोड़ा समाज सेवी के अथक प्रयासों से सर्व धर्म के समाज सेवी द्वारा इस तिरंगा यात्रा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया गया। रैली के समापन पर महाराज बाड़ा पर सभी धर्म के समाज सेवी द्वारा राष्ट्र हित में कार्य करने की शपथ ली। इसमें मुस्लिम समुदाय के समाज सेवियों द्वारा मेरा भारत महान, वंदे मातरम और भारत माता की जय के उद्घोष किए गए। दादा, आज ये आपने रैली निकाली है, कहाँ से कहाँ तक निकाली है और क्या मैसेज देना चाहते हैं? हमने ये रैली निकाली है फूलबाग से लेकर के, हमारा प्रोग्राम था पैदल आने का, लेकिन आज कुछ भगवान ने साथ नहीं दिया, इसलिए हम लेट भी हो गए। 11 बजे का टाइम था, इसमें SP साहब भी आने वाले थे, लेकिन वो भी मीटिंग में चले गए हम लोगों की लेट होने की वजह से। एडिशनल SP आए, उन्होंने हमारी रैली का झंडा दिखा करके हमारे को मार्गदर्शन दिया। और हम ये चाहते हैं कि ये थोड़ी क्वांटिटी आप मत समझिए, ये एक और एक 11 बनते हैं। आज जितने लोग हैं सभी मज़हब के लोग हैं। आज एक बच्चों का प्रोग्राम भी था, वो भी आना था, लेकिन बारिश की वजह से सरदार जी का प्रोग्राम था, अध्यक्ष जी को बोला था, लेकिन वो गाड़ी में बस में ही बैठे रह गए, तो इसलिए मजबूर हो गए, कुछ भगवान भी साथ नहीं दिया। तो इसलिए हम लोग रैलियाँ बहुत आपने देखी होंगी, लेकिन ऐसी रैली भी बहुत कम मिली होगी कि हर मज़हब का आदमी जो है उसको सम्मान मिले। हम ग्वालियरवासी हैं और ग्वालियरवासियों को हर एक का अधिकार है स्वतंत्र जीने का, स्वतंत्र खाने का, स्वतंत्र पीने का। कोई आप में इंटरफियर करे किसी मज़हब का भी, और हमारे क्रिश्चियन समाज से भी हमारे बबन भाई आए हैं, एक बार तालियां बजा के इनका भी स्वागत करें। और मैं चाहता हूँ कि ऐसे ही पत्रकारिता आपकी जिंदा रहे और भगवान आपको वो बहुत करे और हमारे समाज को एक आशीर्वाद का रूप आप दे और हाईलाइट करें। आज कुछ बारिश की वजह से कुछ पत्रकार नहीं आ पाए, तो धन्यवाद आपका बहुत बहुत। आपने सर्व धर्म के साथ निकाली है रैली, क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं मैसेज ये देना चाहता हूँ कि हर मज़हब के आदमी को हिंदुस्तान में रहने का हक, हिंदुस्तान सबका है, ये नहीं कि खाली हिंदुओं का है, यहाँ पे सब जितने भी मज़हब है, बहुत बढ़िया सर, जो भी हो हम सबके साथ हैं। किसी समाज का हो, दलित समाज का हो, किसी भी समाज का हो, चाहे वो वाल्मीकि समाज का हो, हमारे पास तो जो आते हैं लोग, हम उनके दुख दूर करते हैं। मैं 15 सालों से काउंसलिंग कर रहा हूँ, आज 12,000 केस मैंने पुलिस डिपार्टमेंट ने वो समझौता कराया है। जेल में भी मैं जाता हूँ विधिक न्यायालय से मैं भी जुड़ा हूँ। कोई कोर्ट में भी आपके साथ अन्याय कर रहा हो, कोई आपको ज़बरदस्ती अपना जगह छुड़वा रहा हो, ज़बरदस्ती कर रहा हो, आप शब्द बोल रहा हो और बहनों की इज्जत ना कर रहा हो, उसके लिए हम लोग हमेशा संघर्षशील रहेंगे और मिल के काम करेंगे हम सब। भारत माता की जय। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम्स को देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही आप हमारे Facebook पेज व अन्य सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से भी जुड़ सकते हैं।